दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्यार का नाम सुनते ही या शादी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में कई तरह के सपने और समस्याएं उभरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्यार और शादी को लेकर हर किसी के अपने अपने अनुभव और अपने अपने विचार होते हैं और लोग भी अपनी पसंद के अनुसार ही अपने प्रेमी प्रेम का या पति पत्नी का चुनाव भी करते हैं, किंतु कई एक कारणों के चलते उनका प्यार या वैवाहिक रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि जब दोनों के विचार ही अलग अलग होते हैं, दोनों के मत अलग अलग होते हैं और उनकी पसंद नापसंद भी अलग अलग होती है, यहाँ तक कि दोनों की राशियाँ भी एक दूसरे की शत्रु राशियाँ होती हैं, तो ऐसे बने रिश्ते ना ज़्यादा दिनों तक टिके रह पाते हैं, ना ही सफल होते हैं और ना ही दोनों अपनी लाइफ में कभी खुश रह पाते हैं, क्योंकि जब दोनों का मेल ही गलत होता है तो ऐसी समस्याएं आनी तो आम बात हो जाती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाली से बीत सके, आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर सकें, तो आपको इस आर्टिकल में बताई गई राशियों के आधार पर किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों धनु राशि के लड़के अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये काफ़ी एनर्जेटिक, हर तरह से फिट और स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी ईमानदारी से मेहनत भी करते हैं, किंतु प्रेम के प्रति ईमानदार और समर्पित भावना रखने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें मिथुन, तुला और मीन राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ इनकी परफेक्ट जोड़ी बनती है और इनके साथ इनका जीवन भी हंसी खुशी से व्यतीत होता है। 2, दोस्तों यदि धनु राशि के लड़के किसी कन्या और कुंभ राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेते हैं तो इनके साथ इनका रिश्ता सामान्य रहता है, यानी कि कभी खुशी कभी गम की तरह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। 3, दोस्तों यदि धनु राशि के लड़के इन राशियों के अलावा किसी अन्य राशि की पसंद आई लड़की से शादी कर लेते हैं तो इनका जीवन उसके साथ नरक बन जाता है, कुल मिलाकर इनका जीवन बोझ बन जाता है जिसे ढोते ढोते ये थक जाते हैं।